हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो कैसे हैं आप सब यार आपके नए घर के अंदर कोई डुप्लेक्स एरिया है मतलब कि डबल हाइट वाला एरिया अब आप कंफ्यूज हो कि इस एरिया के अंदर फॉल्स सीलिंग कैसी कराएं लाइट कैसी लगाएं फोकस की पैनल किसका इफेक्ट अच्छा आने वाला है एंड एट द एंड कितने वॉट की लगाएं बिकॉज डबल हाइट है डबल फ्लोर तक लाइट आनी है तो इफेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए तो वॉट भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए बहुत सारे सवाल हैं जवाब नहीं मिल पा रहे गूगल सर्च कर लिया यूट्यूब सर्च कर लिया एक भी वीडियो नहीं मिली एंड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही तो डोंट वरी गाइस इस वीडियो के बाद आप प्रो होने वाले हो सीलिंग करने के लिए आप डिजाइन भी फाइनल कर पाओगे एंड आपको कौन सी लाइट यूज करनी है वो भी बहुत अच्छे से आप फाइनल कर पाओगे तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम आज ना स्टेप्स में बात करने वाले हैं फर्स्ट होगा कि डिजाइन कैसा सेलेक्ट करना है सेकंड लाइट्स कहाँ कहाँ पे देनी है एंड कौन कौन सी लाइट्स आपको यूज करनी है एंड थर्ड कितने वॉर्ड की लाइट होनी चाहिए तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की आपको ड्यूप्लिक्स सीलिंग कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकती है तो अगर आपके घर के अंदर कोई डुप्लेक्स स्टेयर केस है मतलब कोई ऐसी स्टेयरकेस जो घर के अंदर से हो ले और एक ही फ्लोर को कनेक्ट कर रही हो तो उसको हम बोलते हैं डुप्लेक्स टेयर केस तो वहाँ पे आपको मिलेगी डुप्लेक्स सीलिंग एंड सेकेंड सिनारी अगर कोई डबल हाइट एरिया है मतलब लिविंग एरिया है डाइनिंग एरिया या फिर कोई लॉबी है जिसके अंदर आपने डबल हाइट छोड़ी हुई है इट मीन्स कि अगर सिंगल हाइट आपकी बेडरूम की हाइट होती है दस फिट तो जो उस एरिया की हाइट आपको मिलेगी बीस फिट बाईस फिट यानी कि डबल हाइट आपको देखने को मिलेगी तो वो सारी चीजों को हम बोलते हैं डबल हाइट सीलिंग हम बात करते हैं डिजाइन की कि आपको डिजाइन चूज कैसे करने हैं तो है सबसे पहले बात आपको ध्यान में रखनी है अपना वॉल कि आपकी वॉल पे क्या आया हुआ है जो भी आपका डुप्लेक्स एरिया है उसकी जो भी वॉल्स हैं कि आप उस वॉल्स को कैसे फिनिश करने वाले हो फॉर एन एग्जाम्पल अगर वॉल बहुत बहुत हेवी होने वाली है मतलब कि आप कोई पैनलिंग यूज कर रहे हो चाहे वो वुडन पैनलिंग हो या फिर कोई मार्बल की पैनलिंग हो या कोई भी एक्स वाई जेड पैनलिंग हो तो उस सिनेरियो के अंदर आपको आपकी फॉल सीलिंग को बहुत ही सोबर और सिंपल रखना है उसको हैवी नहीं करना ताकि आपका जो एंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका वॉल हो आपका ध्यान सीलिंग पे ना जाए आपको दोनों चीज को बैलेंस करके चलना है सेकेंड सीनारियो अगर जो आपकी वॉल है वो बहुत ही सटल डाउन है मीन्स सिंपल पेंट है एंड सिर्फ आप पेंटिंग्स लगाने वाले हो या कुछ फ्रेम्स लगाने वाले हो उस केस में आपको अपनी सीलिंग को हैवी करना है ताकि जो बैलेंस हो सके लाइट टू डार्क तो वो चीज का आपका फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना है सेकेंड स्टेप सपोज आपकी वॉल पैनल हो चुकी है अगर आपने uh, बहुत वॉल को लाइट रखा हुआ है सिंपल पेंट एंड पिक्चर्स हैं उस केस में आप अपनी सीलिंग के अंदर एक थर्ड मटेरियल ऐड कर सकते हो मतलब कि कोई वुडन पैनल्स हो गए लूअर्स हो गए कोई ग्लास की फ्रेमिंग हो गई कोई विनर की पैनलिंग हो गई तो वो सारी चीजें आप अपने डुप्लेक्स की सीलिंग में ऐड कर सकते हो लुक बहुत अच्छा आता है सेकेंड केस कि एंड अगर आपकी वॉल बहुत हैवी है तो उस केस में आपको अपनी सीलिंग में ना कोई और टेक्सचर ऐड नहीं करना आपको सिंपल वाइट ही रखनी है चाहे उसमें लेवल्स ऐड करो या फिर थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए जो दो लेवल आपने लेवल जैसे कि हम इस पिक्चर्स में देख पा रहे हैं कि जो हमने लेवल डिफरेंस किया है जो कॉर्नर था हमने वहाँ पे वुट लगा दी यानी कि वुट लगाई है लेकिन बहुत ही मिनिमम लगाई है तो कि वो हमें बहुत कम दिखाई दे रही है एंड नेक्स्ट स्टेप अब आपको ना डुप्लेक्स सीलिंग के अंदर ना लेवल्स ऐड करने हैं आपको लेवल्स के साथ खेलना है बिकॉज जितने लेवल्स आप ऐड करोगे ग्राउंड फ्लोर से उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा अच्छा आएगा तो कभी भी सिंपल प्लेन लेवल पे नहीं खेलना हमेशा लेवल्स ऐड करने हैं दो तीन जितना बड़ा आपका एरिया है उतना उस अकॉर्डिंग आप लेवल्स ऐड कर सकते हो आपको बहुत अच्छा लुक मिलेगा और सब में कोव देना कोव का इफेक्ट बहुत अच्छा आता है ड्युप्लेक्स वॉल के ऊपर न डुप्लेक्स सीलिंग में ना आपको ग्रूव्स का कम से कम यूज करना चाहिए एक तो उनका इफेक्ट नहीं आता डबल हाइट में एंड साथ साथ थोड़े से इनप्रैक्टिकल भी है आप उनकी साफ सफाई नहीं कर सकते डबल हाइट में एंड एंड फोर्थ अगर ना आपको जो डुप्लेक्स एज है वो बहुत नैरो है मतलब कि हाइट काफी अच्छी है लेकिन वृत्त में बहुत छोटा है और आप उसमें लेवल नहीं डाल पाए तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है आपको सिंपल एक दो फिट का पट्टा घुमाना है लेकिन पट्टे के जो कॉर्नर्स हैं वो नाइन डिग्री पे नहीं होने चाहिए उनको आप थोड़ा सा ग्राउंड कर दो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है तो एक वो चीज आप कर सकते हो अगर आपके पास ईडर की शॉर्टेज है तो अगर आपके पास काफी अच्छा एरिया है तो आपको लेवल्स ऐड करने हैं ट्रस्ट मी लेवल्स का इफेक्ट डुप्लेक्स में बहुत ज्यादा अच्छा आता है अब हम बात करते हैं लाइट्स के बारे में कि आपको लाइट्स कैसे यूज करनी है सबसे पहले तो आप शैंडलियर बिकॉज डुप्लेक्स एरिया में फैन का कोई काम नहीं होता तो सेंटर में आपको शैंडलेयर देना ही देना है एंड दो टाइप के होते हैं डुप्लेक्स एरिया के लिए पहला जो हाइट में कम हो लेकिन व्रत में बहुत ज्यादा फैला हुआ हो तो अगर आपका कुछ केस ऐसा है कि आपके पास ना काफी अच्छी व्रत है तो उस केस में आप ये वाला शैंडलियर यूज कर सकते हो सेकेंड केस कि आपके पास व्रत कम है तो उस केस में जो आपको शैंडलियर यूज करना है वो आपका हाइट में बड़ा होना चाहिए वो वाला भी यूज कर सकते हो एंड सेकेंड चीज जो बिल्कुल याद रखनी है आपको ड्यूप्लिक सीलिंग के अंदर पैनल लाइट नहीं यूज़ करनी आपको एक भी पैनल लाइट नहीं यूज़ करनी आप हमेशा फोकस स्पॉट C.O.B. ऐसी लाइट्स ही यूज करोगे जो हमें फोकस दें फोकस लाइट सिर्फ वॉल पे फोकस करने के लिए ही आपको लगानी है आप इनका फोकस फ्लोर पे भी डाल सकते हो इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा एंड आई रिपीट माई सेल्फ आपको पैनल लाइट नहीं यूज़ करनी है एंड आप प्रोफाइल लाइट भी यूज़ कर सकते हो उसका इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है एंड लास्ट चीज़ डुप्लेक्स uh, एरिया में आपको सिर्फ वार्म वाइट लाइट ही यूज़ करनी है कोई और लाइट नहीं यूज़ करनी बिकॉज वहां पे आपका मेन पर्पस है चीज़ों को हाईलाइट करने का आपको नॉर्मल कोई एक्टिविटी पे नहीं करनी है एंड एट द एंड कितने वाट की होनी चाहिए तो एंडस डबल हाइट है तो आपको कोई भी लाइट 12 वॉट से नीचे की यूज नहीं करनी सारी लाइट उससे ऊपर की या 12 वॉट की होनी चाहिए एट द एंड कितनी लाइट होनी चाहिए तो वो डिपेंड करता है कितना बड़ा एरिया है तो वो एक चीज है जो इधर के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कितने तक वहाँ पे आनी चाहिए तो गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो आई होप यू लाइक इट इफ़ यू डू सो द चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना दैट मींस अ लॉट टू मी थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग